नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज नवरात्रि का सातवां दिन है जिसे सप्तमी कहा जाता है। आज माता काल रात्रि की पूजा की जाती है और इस समय कोरोना महामारी भी चल रही है, तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने घरों में रहें और माता काल रात्रि की पूजा अर्चना करें और साथ ही माता रानी से यह कहें कि भारत के ऊपर आई हुई सबसे बड़ी विपत्ति कोरोना महामारी को जल्द से जल्द दूर करें। तो खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बदायूं जिले से, जहां यूपी सरकार गरीबों का कलेक्ट कर रहा है डेटा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यूपी सरकार की कुछ खास मंशा होगी जिसको लेकर के यूपी सरकार गरीबों का डेटा कलेक्ट कर रहा है। यूपी के बदायूं जिले के कस्बा बिलसी में मोहल्ला नंबर 6 वार्ड नंबर 16-17 में संगठन भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के माध्यम से मुख्य प्रवर्तक हरि प्रताप सिंह राठौर की अध्यक्षता में बिलसी की टीम ने ऐसे गरीब परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका सर्वे कर नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर की सूची तैयार कर रही है। बीजेपी बूथ अध्यक्ष हरिओम राठौर एवं विनोद पालीवाल को रिपोर्ट सौंपी है। संगठन अध्यक्ष मुख्य प्रवर्तक हरि प्रताप राठौर, तहसील अध्यक्ष आकाश तोमर, अखिलेश सोलंकी, पुष्पेंद्र शर्मा, शिवम उपाध्याय, अमित आदि लोग मौजूद रहे। देखें बिलसी से अखिलेश की ये रिपोर्ट। या जो राशन कार्ड नहीं बने हैं, जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें सब्सिडी देने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है और ये लिस्ट बना करके हम लोगों के माध्यम से बूथ अध्यक्ष जी को भेजी जाएगी और उसके बाद जो मजलूम मजदूर और गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी। अगली खबर की शुरुआत यूपी के आजमगढ़ जिले से करते हैं, जहां रात्रि में भी मुस्तैद दिख रही है पुलिस। जी हां, यूपी के आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में कुछ लोग यह सोचते हैं कि पुलिस रात्रि में सो जाती है, कहीं जाना है तो रात्रि को आओ, रात्रि में आओ और जाओ, पर ऐसा नहीं है। रात्रि में भी पुलिस मुस्तैद दिखी, रात्रि में भी पुलिसकर्मी लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आए, आने जाने वाले लोगों को चेक कर रहे हैं। देखे देवगांव से सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। संवाददाता, और इस समय यूपी के आजमगढ़ के देवगांव में उपस्थित हैं और यहाँ जो है कुछ पुलिसकर्मी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, यहाँ किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप लोग? इन लोगों को जो है अंदर रहने के लिए जी और एसपी महोदय के जो दिशा निर्देश है उसकी पालन की जा रही है। अच्छा अच्छा, क्या बेस का ड्यूटी है आपका? हमारा 6 से 7। अच्छा अच्छा। अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से है, जहां प्रधान व पत्रकार ने बांटे जरूरतमंदों को भोजन। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में रिशोली में कोरोना वायरस के डर से घरों में लोग बंद हैं। लोग सब अपना और अपने परिवार को बचाने के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर रखे हैं। पूरे देश के साथ राज्य और जिले में भी लॉकडाउन लागू है, लोगों का घर से निकलना बंद हो गया है। ऐसे में गरीबों और मजदूरों के लिए रोजी रोटी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रधान गोपाल सिंह सिसोदिया व पत्रकार आकाश दीप ने गरीबों के लिए घर घर पहुंचकर उन्हें मदद करते हुए राशन का वितरण किया। इसके अलावा लोगों को कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के बारे में जानकारी देते हुए घरों के अंदर रहने की भी सलाह दी। मौके पर धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया, ओमवीर सिंह भी उपस्थित थे। देखे बनियाठेर से भानु प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। इसको लेकर के 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये जो मोदी जी ने ये काम किया, बहुत सराहनीय काम किया है और ये अच्छी बात है, इससे बचाव बहुत होगा और एक दूसरे को बीमारी भी नहीं रहेगी। क्योंकि जो हमारे मैम आप गाँव में रहती हैं और जो लोग अनभिज्ञ हैं, जो इस बारे में नहीं जानते, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, जो भी लोग नहीं जानते हैं उनको हम समझा रहे हैं कि सावधानी बहुत जरूरी है, सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों को हैंड वॉश करने चाहिए, एक दूसरे से दूरी बनाकर चलना चाहिए
और जो सेना के जवान जो कार्य कर रहे हैं वो हम लोगों के भला। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा अफिलिएटेड सीबीएसई बोर्ड एडमिशन ओपन फॉर क्लास एलकेजी टू टेंथ विलेज एंड पोस्ट पट्टा तहसील भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां एक बड़ी खबर आ रही है, युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। जी हां, ये काफी बड़ी खबर है, सुबह सुबह की बड़ी खबर है कि यूपी के सोनभद्र में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। यूपी के सोनभद्र ओबरा थाना क्षेत्र के सेक्टर नंबर 3 में अज्ञात कारणों से जमील अहमद पुत्र स्वर्गीय वकील अहमद ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। जी हां, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। इसकी सूचना जैसे ही पड़ोसियों को मालूम चला, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हो गए। आनन फानन में लोगों ने डायल 112 को सूचना दी। सूचना पाकर डायल 112 मोटरसाइकिल के 2 पुलिसकर्मी पहुंचे। प्राप्त सूचना के अनुसार युवक जमील अहमद अपनी फूफा और फुआ के यहां रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का पता अभी नहीं चल सका है, पुलिस जांच कर रही है। देखें सोनभद्र से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर बिहार के औरंगाबाद जिले से है, जहां पीडीएस दुकानदार के काला बाजारी की शिकायत की गई है। जी हां, काफी असंतुष्टि लोगों में देखने को मिला। बिहार के औरंगाबाद देव प्रखंड के पंचायत सरगावा के ग्रामीणों ने पीडीएस दुकान डीलर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता बरतने की शिकायत की है। ग्राम सरगावा के ग्रामीणों का कहना है कि पीडीएस दुकानदार ने प्रति यूनिट 1 किलोग्राम राशन कम देते हैं और उसमें भी उसका वजन भी कम देते हैं। उन लोगों का कहना है कि जब भी शिकायत करने की बात आती है तो डीलर वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि तुम लोगों को जहां जाना है जा सकते हो, मुझे 1 यूनिट पर 4 किलोग्राम ही राशन देना है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी अनियमितता की शिकायत हम लोगों ने औरंगाबाद लोक शिकायत निवारण में किया है, लेकिन अब तक केवल इस विषय में हम लोगों को तारीख ही मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे महामारी के दिनों में हम सभी ग्रामीण एक एक दाना के लिए मोहताज हैं और इस समय हम लोगों को राशन कम दिया जा रहा है, तो हम लोग ऐसे स्थिति में अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। देखें मुफस्सिल से सचिन कुमार की ये रिपोर्ट। क्या आप लोग का शिकायत है? हम लोग का शिकायत यही है कि हम लोग जो वीरेंद्र सिंह के पास में जाते हैं, डीलर हैं, और उनके यहाँ हम लोग कोटा मिलता है सरगावा गांव का। अच्छा, ये पंचायत कौन सा है? सरगावा पंचायत है। सरगावा पंचायत है। हाँ। आप लोग का डीलर कौन है? वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह है। हाँ, कहाँ रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं? इनका गांव कौन सा है? धनाव है। तो धनाव में आप लोग जाते हैं राशन उठाने? हाँ, धनाव में जाते हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत यही है कि हम मतलब कार्डधारी हैं और मेरा कार्ड में 5 व्यक्ति का नाम है और 5 व्यक्ति का नाम है तो उसमें हमको पर व्यक्ति से 1 केजी कम दिया जाता है, यानी कि 25 केजी होना चाहिए, वहाँ हमको 20 केजी मिलता है और जब उनके यहाँ वजन कराते हैं तो 1 केजी और कम मिलता है, 19 केजी मिलता है और पैसा जो 25 केजी के बनता है वो 25 केजी के पैसा लेते हैं और इसमें जो रसीद जो निकलता है वो रसीद नहीं देते हैं। अच्छा, रसीद भी नहीं देते हैं? नहीं। ये कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? ये हमको अभी तक मतलब कोटा जो मिला वो 3 को बढ़ चुका है और 3ों कोटा में यही हो रहा है। इसकी शिकायत कहीं पर आप लोग किए हैं? शिकायत किए हैं, जिला में किए हुए हैं। तो जिला में किए हुए हैं तो वहाँ से हमको डेट मिला था मतलब 10/2/2020 का डेट मिला। शिकायत कहाँ पर किए हैं आप लोग? लोक अदालत में किए हुए हैं। शिकायत निवारण में? हाँ, शिकायत निवारण में। और उसमें डेट मिला तो हम गए, हमारा गांव के पूरे जनता गए, वहाँ फिर हमको डेट हो गया कि नहीं आप 18/2 के मतलब आपका निवारण हो जाएगा, नहीं 18/3 का निवारण हो जाएगा, वो 18/3 के नहीं हुआ, फिर डेट बिग दिया गया कि आपको 8/4 में आपका इसका निवारण होगा।
और आज तक एमओ को कोई पता नहीं है, जबकि उनको मिला हुआ है कि आप जाइए वहाँ जांच कीजिए। और एमओ, एमओ साहब का नाम है क्या नाम उनका? एमओ साहब के नाम तो हम नहीं जानते हैं। ठीक, ब्लॉक आपका देव है? देव ब्लॉक में पढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलिए ठीक, क्या नाम हुआ आपका? राजेश सिंह। और डीलर आपके क्या नाम हुआ उनका? डीलर का नाम हो गया बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह। उनका पिताजी का नाम हो गया राम प्रवेश सिंह। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, मिलेंगे कुछ खास खबरों संग अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।